हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कॉफ़ी टफी वाली चॉकलेट बना रहे हैं। वो जो बिल्कुल एकदम इक्लर्स जैसे चुई वाली चॉकलेट आती है ना, बिल्कुल वैसे ही चॉकलेट हम आज बनाएंगे। आप इसको सेलिंग पर्पज से भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चों का बर्थडे हो तो आप बाहर से चॉकलेट ना खरीद के इसको घर में इजीली बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इसी रेसिपी के लिए नॉनस्टिक पैन ही यूज करनी है, क्योंकि ये टॉफी बनाते वक्त साइड में बहुत ही ज़्यादा चिपकेगा। तो सबसे पहले हमें हाफ कप कंडेंस मिल्क ले लेनी है और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ले लेनी है। हमें इसी रेसिपी के लिए एकदम लाइट वाली जो कोको पाउडर आती है उसी को यूज करनी है, डार्क वाली को यूज़ नहीं करनी। और अब ये कॉफ़ी चॉकलेट है तो भाई कॉफ़ी पाउडर तो लेना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ बस 1 टेस्पून मतलब 1 चुटकी के बराबर कॉफ़ी पाउडर ले लिया है। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही गैस में लाएंगे। और अब हम इसको गैस में रखेंगे और लो फ्लेम में इसको चलाते जाएंगे। और लास्ट में हमें इसमें 1 टीस्पून के बराबर बटर ऐड कर लेनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। और बटर ऐड करते ही आप देखिएगा, आपका जो बैटर है वो एकदम इकट्ठा आना शुरू हो जाएगा। अब आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ी सी पानी में इसको डालकर देखिएगा। ये अगर इकट्ठा आता है, आप इसको अच्छी तरह से हाथ में पकड़ सकते हैं, तो ये हमारा रेडी हो गया है। मेरा ये अभी हुआ नहीं है तो मैं इसको और थोड़ा पकाऊंगी। और ये देखिए मेरा बैटर बन चुकी है, मैं इसको आसानी से पकड़ सकती हूँ और ये एकदम ही सॉफ्ट बनी है। और अब हमें एक बेकिंग पेपर ले लेनी है, उसमें थोड़ी सी हम बटर लगा लेंगे और सारे बैटर को उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको ऐसे ही मसलते जाएंगे। हमें इसी प्रोसेस को तुरंत ही बनाना है, ये अगर ठंडा हो जाएगा तो सेट होना शुरू हो जाएगा। और मैंने यहाँ इसको छोटी छोटी पीसेस में कट कर ली है और थोड़ी सी बेकिंग पेपर लेकर उसको स्क्वायर्स में कट कर ली है रैपिंग के लिए। तो अब हमारी ये कॉफी टॉफी वाली चॉकलेट बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी इसको घर में जरूर ट्राई करके देखिएगा, ये एकदम ही डिलीशियस और चुई बनती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।